बड़ी खबर आपको बताएं कि प्रियंका गांधी का यूपी दौरा जल्द हो सकता है। प्रियंका गांधी के दौरे की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। दौरे के मद्देनजर सूबे को 6 जोन में बांटा गया है। सभी जोन को न्याय पंचायतों को चिन्हित किया गया है। प्रियंका गांधी जल्द ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर सकती हैं। दौरे के मद्देनजर सूबे को 6 जोन में बांटा गया है। सभी जोन की न्याय पंचायतों को चिन्हित किया गया है। आपको बताएं कि पार्टी ने हाल ही में ब्लॉक अध्यक्षों की भी नियुक्ति की थी, साथ ही ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत स्तर पर कमेटियों के गठन का काम भी संजीदगी से किया गया है। कांग्रेस ने संगठन के लिहाज से उत्तर प्रदेश को 6 जोन, पूर्वांचल, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और अवध जैसे कई जोनों में बांटा है। इन जोनों की न्याय पंचायतों को चिन्हित किया गया है और अब प्रियंका गांधी जल्द ही उत्तर प्रदेश का दौरा कर सकती है, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सकती है। बताइए, कांग्रेस की कोशिश है कि पंचायत चुनाव से पहले हर एक ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत स्तर पर पार्टी कमेटियां काम करना शुरू कर दें। कांग्रेस की कोशिश है, कांग्रेस का मानना है कि इसका फायदा पार्टी को विधानसभा चुनाव में भी मिल सकता है। पार्टी के 6 जोनों में बांटा गया है। प्रियंका गांधी जल्द ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए भी नजर आएंगी। उत्तर प्रदेश का प्रियंका गांधी का दौरा जल्द ही देखने को मिल सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं संदीप खेर। संदीप, कब तक ये दौरा हो सकता है और किस तरह की तैयारियां कांग्रेस कर रही है प्रियंका गांधी को लेकर? बिल्कुल आशीष, देखिए आपको बता दें, जिस तरह से कह सकते हैं कि लगातार जो कांग्रेस की महासचिव हैं प्रियंका गांधी, वो काफी समय से यूपी में नहीं आई हैं, लेकिन अब जहां पे देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरह से आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, साथ ही साथ अभी देखिए पंचायत चुनाव है, जो कहीं ना कहीं से कहा जा रहा है कि मार्च या अप्रैल माह में हो सकते हैं, इसको लेकर एक अपनी पूरी तैयारी कर रही है कांग्रेस। जो है एक अपने संगठन के हिसाब से आपको बता दें, लगभग उत्तर प्रदेश को 6 जोनों में कह सकते हैं डिवाइड कर दिया गया, जिसमें पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और अवध, इन सभी जोनों को बांटा गया है। साथ ही साथ यहां पर एक न्याय पंचायतों को चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि देखिए पंचायत चुनाव से पहले जिस तरह से प्रत्येक ग्राम पंचायत व न्याय पंचायत स्तर पर पार्टी कमेटियां जिस तरह से काम करना शुरू कर दे, और वहीं पर साफ तौर पे देखिए जो कांग्रेस के कह सकते हैं वरिष्ठ लोग मौजूद हैं, उनका भी ये कहना है कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं से इससे एक राह मिलेगी, इससे एक पकड़ मिलेगी और साथ ही साथ पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी। वहीं पर ये भी देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी जल्दी जो पार्टी के कार्यकर्ताओं हैं उनके साथ एक बैठक करेंगी, एक पूरा सामंजस्य स्थापित होगा, क्योंकि देखिए इसके पहले भी जिस तरह से चुनाव हुआ था, कई कमियां उसमें आई थी, देखा गया था कि पदाधिकारियों ने बहुत ज्यादा सहयोग नहीं किया था, प्रियंका गांधी से उनसे कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया था, तो उसी तरह से कह सकते हैं कि तमाम गलतियों को सुधारने के लिए, पंचायत चुनाव को मजबूत बनाने के लिए, और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव में अपनी एक बेहतर परफॉर्मेंस देता है, उसको लेकर ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और जिस तरह से देखिए देखा गया था कि इस महीने ही प्रियंका गांधी आ सकती हैं, उसी को लेकर एक पूरी कांग्रेस पार्टी में तैयारी चल रही है। जी संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।